स्लोप ऑफ अ लाइन, क्या बोला उसने, लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप निकालना आता है हमें। अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और अगर कोई लाइन एंटी क्लॉकवाइज x एक्सिस या पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है थीटा तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। क्लियर ना भाई? अरे हाँ या ना, तो ध्यान देना, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो। अब जैसे बोलेगा वैसे वैसे समझेंगे, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालो विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। ओहो क्या बोल रहे, एक लाइन का क्या निकालो, स्लोप जो कहां से पास करती है ओरिजिन, बोले तो जीरो जीरो। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वाह समझो, फाइंड द स्लोप, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और उसको जोड़ेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का क्या निकालो, स्लोप विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कहां से पास करती है ओरिजिन से। एंड, एक तो ओरिजिन से पास करती है, एंड का मतलब और कहां से पास करती है, मिड पॉइंट, किससे पास करती है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड डी। कहां से पास करती है, ओरिजिन से, और कहां से पास करती है, मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से, एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, एक लाइन का टुकड़ा है, और उस और वो टुकड़ा कैसे बनाए, ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है जो पी को बी से मिलाने से बन रहा है, और वो जो लाइन की, लाइन का स्लोप निकालना है, वो कहां से पास करती है, ओरिजिन से, और कहां से पास करती है, मिड पॉइंट, किसके मिड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड बी। नहीं आई बात समझ, अरे हाँ या ना, ये हमें पढ़ के खुद पता लगाना है। जब तक आप खुद पता लगाओगे नहीं, तब तक ये आपको आएगा नहीं, जबकि साफ साफ लिखा हुआ है। आप बस ध्यान से पढ़ो और समझो चीजों को, क्या कहना चाहता है वो। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन कर नहीं सकते। क्लियर है भाई? एक बार दोबारा पढ़ ले, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, मतलब एक लाइन का स्लोप निकालो विच पासेस थ्रू द ओरिजिन, जो कहां से पास करती है, दिखना चाहिए ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। एंड, एंड का मतलब और, ओरिजिन से पास करती है और कहां से पास करती है, द मिड पॉइंट, किससे पास करती है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से, और लाइन सेगमेंट कैसा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड बी, वो पी और बी को मिलाने से जो लाइन का टुकड़ा बन रहा है उसके मिड पॉइंट से पास करती है। यस और नो? तो रफ फिगर बना लेते, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया क्या, जीरो जीरो, ठीक है। एक लाइन, एक लाइन, एक लाइन का स्लोप निकालना जो कहां से पास करती है बच्चों, कहां से पास करती है, ओरिजिन से, कर रही है ओरिजिन से, ओरिजिन से, और कहां से पास करती है, एक लाइन सेगमेंट से, एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से, और लाइन सेगमेंट कैसे बना है, पी और बी को मिलाने से, और पी के पॉइंट क्या है, जीरो माइनस फोर, एंड बी के क्या है, एट जीरो। ये रफ फिगर है, ठीक है भाई, जीरो माइनस फोर तो नीचे आएगा, ये रफ फिगर है, फिगर की जरूरत नहीं है, साथ में लिख भी देना रफ फिगर बनाइए हमने अपने लिए। क्लियर है भाई? कहानी समझ में आई नहीं आई, किस क्या निकालना है, इस लाइन का स्लोप कहां से पास करती है, जीरो ओरिजिन से, और एक लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से। यस और नो? तो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट का नाम रख लो क्या, एम रख ले, अरे हाँ या ना, और ओरिजिन का नाम रख लो क्या, जीरो, ओ ओ, क्या नाम रख लो, ओ। अच्छा अब बता दो, क्या आप बता दो, फिगर फिगर के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं, बस बाकी लिखना रह जाएगा। अच्छा बता दो, इस लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करे, किससे पास करे, तो उसका स्लोप आता है निकालना, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो एक पॉइंट तो जीरो जीरो है, दूसरा पॉइंट कहां से पास करती है, यहां से पास करती है, अरे हाँ या ना, इसके मिड पॉइंट से। अब बताओ क्या इसका, इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो, मिड पॉइंट फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है, x1 plus x2 divide by 2 और y1 plus y2 divide by 2, लिखवाया था? Yes, sir. सीधा बताओ मिड पॉइंट क्या होगा, x1 plus x2, ये मिड पॉइंट क्या निकलेगा, यानी कि 0 plus 8 divide by 2 और दूसरा क्या होगा, माइनस 4 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिड पॉइंट क्या आएगा बोलो, ये आ गया चार और माइनस दो, यस और नो? अब ये मिड पॉइंट पता लग गया, अब बताओ इस लाइन का स्लोप नहीं निकाल सकते, ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2, क्या होगा स्लोप, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, अरे हाँ या ना, फिगर में ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब बस लिखना है, लेकिन
क्या करना है, लिखेंगे कैसे, लेट गिवन एंड टू फाइंड, जो जो हम लेट कर रहे हैं वो क्लियर है भाई, क्या लेट किया हमने, एम बी द मिड पॉइंट, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी एंड बी का, ठीक है भाई, तो मिड पॉइंट ये लेट हो गया। अब आपको लिखना है गिवन, क्या गिवन है, एक पॉइंट गिवन है पी, पी क्या है जीरो माइनस फोर, और एक पॉइंट क्या गिवन है बी, क्या है वो 80, यस और नो, क्लियर है भाई, हाँ या ना, ये गिवन हो गया। फिर हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना बोलो, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, क्लियर है भाई, ये निकालना है। अब बताओ, ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, स्लोप ओरिजिन से पास करती है और क्या, मिड पॉइंट निकाल लो, तो मिड पॉइंट निकाल के बताओगे, मिड पॉइंट एम, ठीक है भाई, एम निकाल लेते हैं, एम क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी बी, उसको देख के लिखना है पी एंड बी, तो मिड पॉइंट क्या होता है, फॉर्मूला भी लिख दो लेकिन आपको पता है तो सीधा कर दो, क्या होगा, 0 + 8/2, वहां पे नहीं करना ये काम, यहां करना है, ठीक है, वो तो बस मैंने आपको बता दिया, और क्या होगा -4 + 0/2, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 4 - 2, मिड पॉइंट निकल गया। अब ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, ओ एम, कौन सी लाइन, ओ एम, ठीक है सर, तो एम पता लग गया आपको, ये रहा मिड पॉइंट, ये रहा एम, ये क्या है एम, तो स्लोप ऑफ किसका, ओ एम का निकाल दे, कितने पॉइंट से पास करती है, दो पॉइंट से, तो एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू, क्या होगा स्लोप, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन कितना है, जीरो, अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, फोर माइनस जीरो, सिंप्लीफाई करोगे तो पर माइनस टू नीचे फोर, काट दो इसको कितना आ गया टू, तो कितना आ गया माइनस वन बाई टू, तो क्या है इस लाइन का स्लोप, माइनस वन बाय टू, समझ में आ गई बात भाई, नहीं आई, ये क्वेश्चन तो हमने चित्र बनाते के साथ ही हो गया था, कि इस पॉइंट से पास ओरिजन है और कहां से पास करती है, इसके मिड पॉइंट से, इसका मिड पॉइंट निकाला, दो पॉइंट आ गए, तो y2 माइनस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 स्लोप आंसर, लेकिन ढंग से लिखना है, लेट गिवन एंड टू फाइंड, ठीक है भाई।